नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सख्त हुआ अतिक्रमण दस्ता, दुर्घटना में घायल ने दम तोड़ा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार में। सख्त हुआ अतिक्रमण दस्ता। नागपुर मनपा आयुक्त द्वारा दिए गए आदेशानुसार प्रवर्तन विभाग की ओर से लगातार अतिक्रमण उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। निरंतर कार्रवाई के बावजूद बार बार अतिक्रमण होने से अब दस्ता सख्त होने लगा है। मंगलवार को हुई कार्रवाई में दस्ते ने सभी जोन में दस्तक दी। इसमें कुल 308 अतिक्रमणों का सफाया किया गया। साथ ही बार बार अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए दस्ते ने 4 ट्रक सामान भी जब्त किया। लक्ष्मीनगर जोन में दस्ते ने प्रतापनगर से मंगलमूर्ति चौक तक हुए जैताला बाजार तक कार्रवाई की, जिसमें सड़कों के दोनों ओर के फुटपाथों से लगभग 42 अतिक्रमण हटाए गए। इसी तरह दस्ते ने यहाँ से 1 ट्रक सामान जब्त किया। दस्ते ने जैताला बाजार को पूरी तरह साफ कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर दुर्घटना में घायल ने दम तोड़ा। नागपुर मानकापुर थाना अंतर्गत 6 दिन पहले बाइक से गिरने के कारण घायल हुए व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक राधा कृष्ण नगरी गोदनी निवासी प्रदीप कैलाश राव मेशराम बताया गया। जानकारी के अनुसार 3 मार्च को रात करीब 12:30 पर प्रदीप लापरवाही से बाइक चलाते हुए गोदनी रोड पर गिर गए। इससे उन्हें गंभीर चोटें आई। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां 5 दिन तक चले इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।